नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग को रेलवे जेई में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑल शिफ्ट में, उसके क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा कि नेक्स्ट में उस क्वेश्चन के अलावे और कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का सूत्र, ये सब क्वेश्चन है जो आपको 22 तारीख को विभिन्न शिफ्ट में एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो इसका नाम याद रखिएगा, NaHCO3 को बेकिंग सोडा बोला जाता है। जिसको इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पूछ चुका है, हो सकता है पूछ भी सकता है, इससे रिलेटेड आने का क्वेश्चन की चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट बातें। तो NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहा जाता है, इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है जो सोडियम बाई कार्बोनेट है, खाना खाने के बाद बाई बोलते हैं, इसलिए याद रखिएगा इस खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। उसी तरह वाशिंग सोडा यानी धोवन सोडा Na2CO3 10H2O, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए याद रखिएगा, खाना खाने के बाद बाई बोलते हैं, इसलिए बाय करके सोने के लिए चले जाते हैं खाना खाने के बाद, इसलिए सोडियम बाई कार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। और सोडियम कार्बोनेट इसका हो जाएगा वाशिंग सोडा यानी धोवन सोडा। नेक्स्ट है भारी जल यानी हैवी वाटर को DTO यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। साधारण जल के 6000 में से एक भाग जो है जो भारी जल होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है जो CaOCl होता है, इसको कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड कहते हैं, जिसको विरंजक चूर्ण हिंदी में बोला जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हाइपोक्लोराइड। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 2H2O या CaSO4 1/2H2O। इसमें जिप्सम में जल की मात्रा ये ज़्यादा रहती है इसलिए 2H2O, या जल की मात्रा कम होती है इसलिए 1/2H2O, याद रखिएगा। उसके बाद इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है जो कैल्शियम सल्फेट है, और जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसका कैल्शियम सल्फेट। चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र है CaO। उसके बाद बुझा चूना यानी स्लैक्ट लाइम का सूत्र है CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ग्रीन विट्रॉल यानी हरा कशिश का सूत्र है Fe4 7H2 यानी फेरस सल्फेट। ब्लू विट्रॉल यानी नीला थोथा या नीला तुतिया CuSO4 5H2O। इसका नेक्स्ट देखते हैं फिटकिरी K2SO4 Al2SO4 2H2O, इसको बोला जाता है पोटास एलम। इसका नेक्स्ट देखिए सिंदूर यानी बर्मिलन HgS यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका सूत्र HgS मर्क्यूरिक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ICC के चेयरमैन कौन है, तो शशांक मनोहर जो है जो अभी ICC के चेयरमैन है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आपका आने वाला एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ICC यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन है जो 15 जून 1909 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर याद रखिएगा दुबई में, इसका हेड क्वार्टर क्या है दुबई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इंटरनेशनल हो गया, ये इंडिया के लिए हो गया। फाउंडेड इसके स्थापना कब हुआ था, तो 1928 में। इसका हेड क्वार्टर है जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, वहीं इसका हेड क्वार्टर है। इसका जो प्रेसिडेंट अभी है जो वर्तमान में CK खन्ना है, मेंस यानी पुरुष के कोच हैं जो रवि शास्त्री हैं, और महिला के कोच WB रमन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वें एशियन गेम 2018 कहाँ हुआ, तो 18वें एशियन गेम 2018 है जो आपको इंडोनेशिया में हुआ है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, 18 अगस्त 2 सितंबर
2 सितंबर 2018 तक के बीच में हुआ था। इसका मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया। इसमें जो इंडिया है जो 15 गोल्ड 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 69 पदक जीते हैं, जिसमें जिसके अनुसार इसका रैंक 8वां है। फर्स्ट रैंक है जो चाइना का है, जिसमें 132 गोल्ड 92 सिल्वर 65 ब्रॉन्ज और टोटल मिला के 289 जो है जो आपका पदक जीते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 3.4, याद रखिएगा 3.4 शराब का पीएच मान है, जो 3 से 4 के बीच में वैरी करता है। और भी इम्पोर्टेंट कुछ है जो उसका देख लें पीएच मान, जो आगे आपका पूछा जा सकता है। रक्त का पीएच मान 7.4, लार का पीएच मान 6.5, मूत्र का 6, मानव शरीर का पीएच रेंज जो होता है 7.0 से 7.8 होता है। एक और बात याद रखिएगा, अगर हमारे मुंह में पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो हमारा दांत जो है जिसका क्षय होना आरंभ हो जाता है। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, वर्तमान में जो डीआरडीओ के चेयरमैन है वो जी सतीश रेड्डी है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म याद रखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है जो न्यू दिल्ली में है। उसका इसरो का याद रखिएगा, नेक्स्ट देखिए इसरो का याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना है जो 1969 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर है जो बेंगलोर में है। इसके चेयरमैन है जो आपका कैलाशवा दिब्बू सिवान है, कैलाशवा दिब्बू सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पिछले बार भी पूछा गया था रेलवे के जो एग्जाम हुआ था आपका एलपी का, उसमें भी पूछा गया था। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो मणिपुर में है, याद रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका नाम याद रखिए, रामी मलिक। चलिए और भी ऑस्कर अवार्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। इस बार जो है जो 91st ऑस्कर अवार्ड हुआ था 2019 में, इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है जो ग्रीन बुक को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है जो ओलिविया कोलमैन को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है जो अल्फांसो क्यूरोन को मिला है। बेस्ट फॉरिजन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड है जो आपका रोमा फिल्म को मिला है, जिसके डायरेक्टर है अल्फांसो क्यूरोन। इंडियन फिल्म, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, ये आपको पूछा जा सकता है। इंडियन फिल्म रिसीव्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट अवार्ड के लिए ऑस्कर किसको मिला है? द पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मामा उपनाम से किस पूर्व सीएम से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर याद रखिए, शिवराज सिंह चौहान जी, ये हैं जो एमपी के सीएम थे जिन्हें लोग प्यार से मामा कहते हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? तो सिरिल रामफोसा है जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में सोनिया गांधी की भूमिका किसने निभाया था? तो सुजैन वर्टर ने जो है जो आपका सोनिया गांधी का रोल निभाया था। ये जो है जो जर्मन बॉर्न एक्ट्रेस हैं। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ये आपका पूछा जा सकता है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक के लेखक कौन है? तो ये है जो संजय बारू है। ये इस पर ये मनमोहन सिंह पर ये किताब लिखा गया है, जिस पर फिल्म बनी थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें सोनिया गांधी का रोल जो है जो सुजैन वर्नट ने किया था, मनमोहन सिंह का रोल जो है अनुपम खेर ने किया था और संजय बारू का रोल अक्षय खन्ना ने किया है। फिल्म में मनमोहन सिंह का रोल अनुपम खेर और संजय बारू का रोल अक्षय खन्ना और सोनिया गांधी का रोल सुजैन वर्नट। मनमोहन सिंह जो थे वो पीएम रहे थे भारत के 2004 से 14 तक 10 साल तक, उन्हीं पर ये
बुक लिखी गई है और इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा आता है, 103वां है, टोटल 119 में 103वां स्थान है। भूख वाला में हंगर यानी हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 103, टोटल 119 देशों में 103 स्थान है। और भी इससे इंडेक्स से रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जिसका मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा कर दिया हूँ, आप उसको एक बार ज़रूर देखें, आपका एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपका उससे ज़रूर रहेगा। हर एक शिफ्ट में लगभग हर एक शिफ्ट में आपका उससे क्वेश्चन मिलेगा ही, इसलिए आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। नेक्स्ट है IPL 2019 का विजेता टीम कौन है, तो इसका विजेता टीम है जो मुंबई इंडियंस है। IPL से रिलेटेड जो है जो जिसका भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ, आप उसका भी IPL 2019 या IPL की स्थापना कब हुआ था वो सारा कुछ मैंने उसमें बताया हूँ, आप उसे एक बार ज़रूर देखें, आपका उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्ट में या आने वाले कोई भी एग्जाम में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका याद रखिएगा मनीला है। मनीला कहाँ है, तो फिलीपींस में। इसकी स्थापना 1966 में हुआ था, इसमें अभी टोटल सदस्य देशों की संख्या 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बना, तो कोलकाता से दिल्ली 1912 में बना। इसकी घोषणा है जो 12 दिसंबर 1911 को राजा जॉर्ज पंचम एवं मैरी है जो दिल्ली में एक राज्यसभा का राज्य भव्य राज्य दरबार का आयोजन किया गया था, वहीं पर यह घोषणा किया गया था कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इसी समय बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया, मतलब उसमें है जो उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया है, तो आपका इसमें दिया रहता है तो कितना हो जाएगा 1911। उस समय जो वायसराय थे जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे ये 1910 से 1916 तक वायसराय रहे थे। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है फादर ऑफ जेनेटिक यानी आनुवंशिकता का पिता कौन है, तो ग्रेगर जोहान्स मेंडल। ये कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना था और उसी पर आपका थ्योरी दिए थे आनुवंशिकता का, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग W. वाटसन ने 1905 में किया था। उसके बाद गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का नामांकन W. बाल्टेयर ने 1888 में किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का उपयोग जोहानसेन ने 1909 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाशिंग सोडा का सूत्र, ये देखिए मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसका टोटल डिस्क्रिप्शन कर चुका हूँ। वाशिंग सोडा का सूत्र है, याद रखिए Na2CO3 10H2O। आप लोग जो इसका डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपका आने वाले शिफ्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका आने वाले शिफ्ट में इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए आपको उससे रिलेटेड जैसे कोई भी क्वेश्चन जैसे फादर ऑफ जेनेटिक है तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स ज़रूर देखें। स्टडी ऑफ फंगी को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, दम्मा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद, ये सब रोग है जो कवक के द्वारा होता है जिसको इंग्लिश में फंगी कहते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसको याद रखिए, फंगी को माइकोलॉजी और शैवाल का आपका फाइकोलॉजी यानी एल्गी। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री इससे प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, यानी इसका उपयोग करके अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो इसका उपयोग करके भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं जिससे वो वहाँ सर्वाइव करते हैं।
फादर्स ऑफ बोटनी किन्हें कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान के पिता, तो थियोप्रेटस, याद रखिएगा थियोप्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो लोकसभा से रिलेटेड जो है जो आप लोग याद रखिएगा, मैं इस पर आगे वीडियो बना दूंगा, लोकसभा से रिलेटेड इस बार इलेक्शन में हुआ था जिससे वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको इसमें भी बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लें। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितना है, तो 29 है। आप लोकसभा की सीट की संख्या याद रखें, आपका मध्य प्रदेश का पूछ लिया है तो आगे हो सकता है एक दो दिन के बाद मध्य प्रदेश का भी पूछा जा सकता है, और आने वाले शिफ्ट में आपका इससे और भी पूछा जा सकता है अदर स्टेट का। दिल्ली का याद रखिएगा, दिल्ली का कितना है, तो 7 है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटों लोकसभा सीट की संख्या कहाँ है, तो दिल्ली में है 7। यूपी में टोटल 80 है, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों जगह आपका 25 है, गुजरात में 26, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, पंजाब में 13, झारखंड में 14 सीट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कहाँ है, तो मैंने पिछले इसका मैंने वीडियो प्रोवाइड भी करवा चुका हूँ, आप लोग जरूर देखें। इंडेक्स से आपको ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए आप इंडेक्स से रिलेटेड आपका लोकसभा ये सब से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन को जरूर देखें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 77वां है, यानी 77। पंजाब में लोकसभा की सीट की संख्या देखिए, फिर क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया था, पंजाब में लोकसभा सीट की संख्या कितना है, तो 13। चलिए लोकसभा से रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ। लोकसभा जो है जो अनुच्छेद 81 में मूल संविधान में लोकसभा, यानी जिस समय संविधान बना था उस समय लोकसभा की सीट की टोटल संख्या 500 थी, वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 552 है, 552 यानी अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें 530 राज्य से, 20 संघीय क्षेत्र से और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में है जो टोटल अभी संख्या जो है जो आपका लोकसभा के सीटों की संख्या 545 है, जिसमें 530 राज्य से, 13 संघीय क्षेत्र से और 2 आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस बार लोकसभा का जो इलेक्शन 2019 में हुआ वो 17वां इलेक्शन था, जिसमें 543 सीट पर इलेक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का फार्मूला पूछा गया था, बेंजीन का फार्मूला कितना होता है, C6H6, याद रखिए इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह का होता है, आपका एक सिंगल उसके बाद डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड इस तरह का होता है, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड भी कभी कभी पूछा जाता है, तो सिग्मा बॉन्ड का संख्या पूछा जाएगा तो 12 और पाई बॉन्ड का संख्या 3। सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड जो रहता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, तो सिंगल बॉन्ड देखें यहाँ कहाँ कहाँ, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, इसलिए 9, 1, 10, 11, 1, 12, इसलिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया 12। पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड में ही आपका एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड की संख्या 3 है, 1, 2, 3, इसलिए 3 गो पाई बॉन्ड। और भी इससे आगे का क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण दोस्तों एडिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसके आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कहीं और अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसे हमारे साथ शेयर करें, कॉमेंट्स बॉक्स में लिखें, और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि किसी प्रकार का वीडियो आए तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।